की सफाई हो रही है और साथ में दो लोग देख रहे हैं, कहीं से कोई छूट ना जाए कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट, तो उसको बता सकें। ये हो गया जी हमारा तवा भी साफ एंड सुथरा। तो गाइस देखिए ये तवा था, ये भी साफ हो चुका है, चूल्हा भी नीट क्लीन साफ सुथरा हो चुका है। अब इसमें शाम को हम बनाएंगे खाना, और ये चिड़िया भी आ चुकी है यहाँ पे अपना खाना खाने के लिए, और अभी यहाँ से होगी आसपास की सफाई। गाइस हमने आपको दिखाया था मेरे घर से, ये है प्यारी प्यारी सी हमारे किंडर किचन गार्डन से पालक दिखाई थी आपको मैंने, बहुत सारी वीडियो में दिखा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, पर मन करता है जितनी बार इधर आओ तो ग्रीनरी देखकर। और ये है हमारे यहाँ का चने का साग, किस किस ने खाया है चने का साग प्लीज़ बताना। और सच बता रही हूँ मैं 3 दिन से आई हूँ यहाँ पर, कंटिन्यूस तोड़ती हूँ, खाती हूँ और अंदर चली जाती हूँ, है ना। और ये मिर्ची के कुछ पौधे लगे हुए हैं, ये लहसुन लगा हुआ है, और ये हमारे घर में नीम के बहुत सारे पौधे, मतलब पौधे क्या, ये तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं, ये नीम के पेड़। और कपड़े धुल चुके हैं हमारे, और ये है हमारा बैक साइड व्यू, पानी की टंकी और बालक, कपड़े शपड़े धुल चुके हैं, चमकदार चटकदार धूप आ चुकी है। मैं आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल राधा जोशी व्लॉग पे, तो हम आ चुके हैं गांव में, तो गांव में हम आपको दिखा रहे हैं ये चूल्हा, चूल्हे की सफाई। बेसिकली शहरों में तो वाइप मार के साफ कर लेते हैं, बट यहाँ पे इस तरीके से चूल्हे की पुताई होती है, इससे शुद्धि भी हो जाती है चूल्हे की। और इस तरीके से प्रिया शर्मा जी हैं वो सफाई कर रही हैं चूल्हे की और पुताई लिपाई। तो आसपास का एरिया भी नीट क्लीन होना चाहिए, बिकॉज़ यहीं पे बैठ के हम खाना बनाते हैं। तो चूल्हे की शुद्धि के लिए यहाँ पे लगाया जा रहा है पोचा। और एक चीज़ और बता दूँ कि गांव के लोग ना बहुत परहेज करते हैं, मतलब मंगलवार और वीरवार को पोचा नहीं लगता, तो आज है शुक्रवार को, तो आज हो रही है चूल्हे की नीटनेस सफाई, क्लीन हाइजीन पर्पज से देखा जाए तो हफ्ते में 3 या 4 दिन होती है ये कंपलसरी है। और जैसे कि मैंने कल आपको चूल्हे के साथ साथ दिखाया था तवा, तो इस तवे की भी यही जो पहला जो पोचा मारा जा रहा है ना, यही लगाया जाएगा। तो ये चूल्हे का ये तवा है, ये भी साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। तो मिलते हैं अभी आपको, बने रहिएगा हमारे चैनल में, पूरी हो जाने के बाद दिखाते हैं फिर से आपको, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप भी वीडियो को इंजॉय कर पाएँ। गाइस अभी आप देख रहे हैं, आपने बहुत बार मसाले देखे होंगे कि मिक्सी में लोग फटाफट से पीस के मिक्सी में मसाला बना लेते हैं, बट इस मसाले का जो टेस्ट है ना वो तो अमेजिंग है। और ये है लंगरी सोटा, तो ये है लंगरी सोटे पे मसाला पीसते हो हमारी चैतन्य मैडम, और ये है मसाला, मसाला को प्रोव करके दिखाएंगे कैसा पीसा है।